हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 5 है प्लेइंग विद नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज है 5B, वो कराऊंगी। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज 5A कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं, एक्सरसाइज 5A को भी जो है सीखना चाहते हैं, तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वहां देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5B। एक्सरसाइज 5B में आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराऊंगी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं उसे रीड कर लेती हूँ। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स बाय 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमें ये जो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन से नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑल पार्ट्स लिख ली हैं ऑलरेडी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 2 की डिविजिबिलिटी होती क्या है। वैसे मैं आपको डिविजिबिलिटी सिखा चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियोज में, 2 से लेके 11 तक की मैंने डिविजिबिलिटी सिखाई हुई है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहें तो ऊपर आई के बटन को क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। फिलहाल हम करेंगे 2 की डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? टू की डिविजिबिलिटी होती है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 02468। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर गिवन नंबर की, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसकी लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है, इनमें से है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है व्यूअर्स, ये जो है हमने देख लिया कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। अगर लास्ट डिजिट नंबर जो दिए हुए हैं उनका हमें सिर्फ क्या करना है, लास्ट डिजिट देखना है। अगर इनमें से आ रहा है कोई भी नंबर तो वो नंबर जो दिया हुआ है वो डिविजिबल होगा 2 से, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये तो रही 2 की डिविजिबिलिटी। अब हम करेंगे पार्ट्स। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, 94 में हमने यहाँ देखा कि लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, विच इज इंक्लूडेड इन दीज नंबर्स। 4 जो है यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स यस वी कैन से दैट 94 इज डिविजिबल बाय 2। यस 94 इज डिविजिबल बाय 2। जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके भी बता देती हूँ एक बार कैसे। 94 को अगर आप डिवाइड देंगे, 2 4 8 1 लेफ्ट देन 4 2 7 14। देखिए हमने यहाँ डिवाइड दिया तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, विच मीन्स यस 94 जो है कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये तो मैंने आपको दिखा दिया है करके, अदरवाइज हमें सिर्फ यही देखना है कि लास्ट डिजिट क्या आ रही है। अगर इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है तो हम लिख सकते हैं यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके व्यूअर्स, चलिए आगे करते हैं। इसी तरीके से हम सारे पार्ट्स को कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले। देखिए सेकेंड पार्ट है 570। इसमें हमने यहाँ देखा कि लास्ट डिजिट 0 है और 0 यहाँ पे आ रहा है इन नंबर्स में से 0, तो विच मीन्स यस दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है 285। इसमें हमने लास्ट डिजिट देखा क्या आ रही है, 5, विच मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 5 इज नॉट इंक्लूडेड इन दीज नंबर्स। ठीक है व्यूअर्स, सो व्हाट वी विल राइट दैट नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। दिस नंबर is not divisible by 2 and the reason is that the last digit of this number is 5। okay viewers, इसी तरीके से हम सारे parts को कर लेंगे। यहाँ पे space नहीं है तो मैं rough कर देती हूँ।
देखिए अब क्या है आपका फोर्थ पार्ट, विच इज फोर्थ पार्ट है 2398। हमने इसमें देखा लास्ट डिजिट 8 है, 8 जो है यहाँ पे आ रहा है, विच मीन्स यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2। ओके व्यूअर्स, इसी तरीके से हम सारे पार्ट्स करेंगे। फिफ्थ पार्ट है 79532, 79532, ये गिवन नंबर है। हमने इसमें देखा कि लास्ट डिजिट 2 है, विच मीन्स यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि यहाँ ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, विच मीन्स उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। देन सिक्स पार्ट इज 13576, 13576। हियर वी कैन ऑल्सो सी दैट द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 6, विच इज इंक्लूडेड इन दिस नंबर। सो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इज divisible by 2। Again, seventh part is 46821, 46821। So, हमने यहाँ पे देखा कि last digit जो है वो 1 है इस number की, so we can say that no, this number is not divisible by 2, this number is not divisible by 2। ओके व्यूअर्स, इसी तरीके से मैं एट्थ और नाइन्थ पार्ट भी करा देती हूँ। देखिए एट्थ क्वेश्चन में क्या है, एट्थ पार्ट में है 84663, 84663। So here we will see that the last digit of this number is 3, so we can see that 3 is not included in these numbers, so we can say that no, this number is not divisible by 2, this number is not divisible by 2। ओके व्यूअर्स, एंड द लास्ट पार्ट इज 66669, ठीक है, 66669। हियर वी कैन सी दैट द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 9, 9 इज नॉट हियर इन दीज नंबर्स, सो वी कैन से दैट नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके व्यूअर्स, तो देखिए आज हमने ये सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। 2 की डिविजिबिलिटी हमें अच्छे से समझ में आ गई है, हमें सिर्फ क्या करना है, लास्ट की डिजिट, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसकी लास्ट की डिजिट देखनी है। अगर 02468 है तो यस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर नहीं है तो नो दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी, तो चलिए देखते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया है, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। क्वेश्चन 2 इज टेल द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स बाय 5, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमें इन नंबर्स में से जो दिए हुए नंबर हैं, इनमें से पता लगाना है कि कौन से नंबर एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल हैं और कौन से नहीं, ठीक है। तो पहले की तरह मैं आपको एक बार फिर से डिविजिबिलिटी बता देती हूँ 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 0 और 5, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, अदरवाइज नो। ओके, सो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर लास्ट डिजिट दिए हुए नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो 0 है या फिर
फाइव है, जीरो है या फिर फाइव, और का मतलब या जीरो है या फिर फाइव है, तो वो नंबर फाइव से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट क्या है, 95 गिवन है हमें, फर्स्ट नंबर है 95। अब इसमें हमने देखा लास्ट डिजिट क्या है, फाइव, तो यस वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव। यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव। अगर आप फाइव से डिवाइड देंगे 95 को, तो जब आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है व्यूअर्स, देन सेकेंड पार्ट इज 470। हेयर वी कैन ऑल्सो सी दैट द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज जीरो एंड जीरो इज हेयर, सो वी कैन सी से दैट दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव। यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है व्यूअर्स, देखिए थर्ड पार्ट इज 1056। हियर वी कैन सी दैट द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज सिक्स, सो ना तो वो जीरो है ना फाइव है, तो हम कह सकते हैं नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय फाइव। नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय फाइव। ओके व्यूअर्स, अब देखिए इसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट क्या है, 2735। फोर्थ पार्ट इज 2735। लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज फाइव, विच मीन्स यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव। यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव। ओके व्यूअर्स, इसी तरीके से हम आगे के पार्ट्स भी कर लेते हैं फटाफट से। देखिए नाउ फिफ्थ पार्ट इज 55053। ओके व्यूअर्स, सो हमने यहाँ पे देखा कि हमारी लास्ट डिजिट क्या है, थ्री है, तो विच मीन्स नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय फाइव। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय फाइव। ठीक है व्यूअर्स, सिक्स पार्ट है 35790। 35790, तो लास्ट डिजिट क्या है इसकी, जीरो है, और जीरो यहाँ पे जो है अगर है तो विच मीन्स यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ पूरी लाइन, बिकॉज लाइन्स आर सेम, सो मैंने सिर्फ यस लिख के छोड़ दिया है। आप एग्जाम में कंप्लीट लाइन लिख के आएंगे। देन सेवेंथ पार्ट इज 98765। 98765, इसका लास्ट डिजिट हमने देखा फाइव है, विच मीन्स यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव। यस देन एट्थ पार्ट इज 42658। इसमें हमने देखा लास्ट डिजिट एट है, एट यहाँ पे नहीं आ रहा है, विच मीन्स नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय फाइव। No. Then the last part of this question is 77990. 77990. 77,990. तो हमने यहाँ पे देखा कि last digit इस number की zero है, which means yes, this number is divisible by five. मैं यहीं पे लिख देती हूँ, space कम है. Answer ninth. Yes, this number is divisible by five. Number is divisible by five. देखिए व्यूअर्स,
आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं एक्सरसाइज 5B के। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो, समझ आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।